नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ली बैठक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी स्थित राजीव भवन में बैठक ली। इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस के कार्यालय भवन पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों के शहर अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए। यह बैठक सभी जिलों में बनने जा रहे कांग्रेस कार्यालय भवन के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में और भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। गोधन न्याय योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने राज्य शासन ने जनता से मांगे सुझाव। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हरेली से प्रारंभ की जा रही गोधन न्याय योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में आम जनमानस से सुझाव आमंत्रित किए हैं। कोई भी व्यक्ति या संगठन जो भी सुझाव देना चाहता है, वे इस संबंध में छत्तीसगढ़ कृषि विपणन मंडी बोर्ड मुख्यालय बीज भवन में अपने सुझाव दे सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर किया उन्हें नमन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, विश्व भर को अध्यात्म का संदेश देने वाले महायुग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर हम सब उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। उनका संपूर्ण जीवन हम सब के लिए एक अध्याय है, जिसमें भूत से प्रेरणा लेकर वर्तमान में भविष्य का चिंतन करने की सीख मिलती है। क्वारंटाइन सेंटर से फरार युवक की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। काफी मशक्कत के बाद आया प्रशासन की गिरफ्त में। छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच नारायणपुर जिले के एक क्वारंटाइन सेंटर से फरार युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक फरार मजदूर युवक को प्रशासन ने पकड़ लिया है। 12 से ज्यादा पत्रकारों को किया गया क्वारंटाइन। जिले में 12 से ज्यादा पत्रकारों को क्वारंटाइन किया गया है। सभी पत्रकारों को एहतियातन क्वारंटाइन किया गया है। दरअसल 29 जून को स्थानीय सांसद ने जिले में पत्रकार वार्ता की थी। इस पत्रकार वार्ता में सांसद सुनील सोनी के पीएसओ भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सांसद सुनील सोनी के पीएसओ की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस दौरान सांसद और पीएसओ के संपर्क में आए कई लोगों के साथ सैकड़ों पत्रकार भी संपर्क में आए थे। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग अभी भी जारी है। संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। रायगढ़ में कैश वैन लूट में दोनों आरोपी गिरफ्तार। एसपी संतोष सिंह ने की पुष्टि। किरोड़ीमल नगर में कैश वैन लूट मामले के दोनों आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। दोनों आरोपियों से लूट की रकम 14 लाख रुपए भी जब्त कर लिया गया है। एसपी संतोष सिंह ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। आरोपियों ने कैश वैन ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं गार्ड को भी आरोपियों ने गोली मारी है। शहर के निजी अस्पताल में गार्ड का इलाज जारी है। पुलिस नक्सली के बीच झड़प, एक नक्सली ढेर, भारी मात्रा में नक्सली पदार्थ बरामद। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में गट्टा इलाके में पुलिस नक्सली में हुई झड़प में एक नक्सली ढेर हो गया। मौके से भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की गई है। शुक्रवार रात को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में गट्टा इलाके में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की जानकारी है। बता दें कि महाराष्ट्र का गढ़चिरौली इलाका राजनांदगांव जिले की सीमा से लगा है। 24 घंटे में देश में सामने आए कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 22,771 नए मामले। एक दिन में 422 मरीजों की मौत। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 22,771 नए केस सामने आए हैं। यह एक दिन में सामने आए कोरोना का सर्वाधिक मामला है। इसके साथ ही देश में वैश्विक महामारी का आंकड़ा 648,315 पहुँच गया है। इनमें से देश में 235,433 एक्टिव केस हैं। इस बीमारी से अभी तक कुल 394,227 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से 422 मरीजों की मौत हुई है। एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी। 62.84% बच्चे हुए पास। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आज यानी 4 जुलाई को 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 10वीं का रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे घोषित किया गया। इसके साथ ही इस साल एमपी बोर्ड से 10वीं की परीक्षा देने वाले करीब 11.5 लाख छात्रों का इंतजार खत्म हो गया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइक हसी बोले, धोनी एक चैंपियन क्रिकेटर।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज माइक हसी का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी एक चैंपियन क्रिकेटर हैं और मौजूदा ब्रेक से उन्हें आत्मनिरीक्षण करने का मौका मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, यह देखना होगा कि क्या वह फिर से भारतीय टीम के लिए खेलना चाहते हैं या नहीं। एक खिलाड़ी और एक कप्तान के रूप में उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। उन्हें इस खेल की बहुत समझ है। गलवान घाटी विवाद पर फिल्म बनाएंगे अजय देवगन, बताएंगे 20 भारतीय शहीद जवानों के बलिदान की कहानी। एक्टर और प्रोड्यूसर अजय देवगन लद्दाख के गलवान घाटी में भारत चीनी सेना के बीच हुई झड़प पर फिल्म बनाएंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक फिल्म में इस झड़प में चीनी सेना से मुकाबला करने के दौरान शहीद हुए 20 जवानों के बलिदान की कहानी होगी। हालांकि फिल्म के नाम और कास्ट अभी तक तय नहीं हुए हैं। यह भी तय नहीं हुआ है कि अजय देवगन इसे प्रोड्यूस करेंगे या इसमें किरदार भी निभाएंगे। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।